जा भाई, पता क्या टाइम हो गया? हाँ 7:30 बज गए हैं। आज भी तेरी बस छूट जाएगी। रोज तेरी स्कूल बस छूट जाती है और तुझे छोड़ने जाना पड़ता है। तेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है मेरे पास। बुढ़ापे का बच्चा है ना, इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है। अरे अगर हमें कुछ मिलिए मेरे बुआ के बेटे युवराज, जिसका नाम मेरी बुआ ने अपने फेवरेट क्रिकेटर के नाम पे रखा है, पर उसे युवराज छोड़कर बाकी कई नामों से बुलाया जा रहा है। आलसी, निकम्मा, निठल्ला, नकारा, सोच पता नहीं क्या क्या बोलती है तुझे, लेकिन पता नहीं किस पे गया। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 18 साल का हो गया है, एक ही क्लास में 2 बार फेल हुआ है तू, लेकिन नहीं, तुझे तो परवाह ही नहीं है। पता नहीं बाबा जी ने ऐसी औलाद मुझे ही क्यों दी है। युवराज मुझसे एज में 2 साल बड़ा है, पर उसकी ना पढ़ने की वजह से वो और मैं एक ही क्लास में है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी मॉम की डांट सुनकर बुरा नहीं लगता है या उसे फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी अटेंशन एक गोल्डफिश की तरह है। 1 सेकंड हियर एंड अनदर सेकंड। ओहो, कहाँ है ध्यान तेरा भाई? जा ना नहाने जा। ये ले तौलिया, पानी गर्म है। देख आरुषि कब से वेट कर रही है तेरा। अपने बारे में नहीं सोचता, कम से कम उसके बारे में तो सोच। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फटाफट नहा के आ। इस टीन स्टोरी में आप और मैं बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। How can we talk about teenagers and not talk about mental health awareness? Oh, मैंने अपनी एक टेक्स्टबुक घर पे भूल गई। हमें फिर से घर जाना होगा। कैसे, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं क्या अगर तुम कुछ भूल जाती हो तो? क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे ये भी भूलने नहीं देती कि मैं कुछ भूल गया। I feel bad for him यार। मेरी बुआ है थोड़ी खड़ूस। My dad super cool. And it is only not that. मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, बट फिर भी मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ, तो टॉप कर ही जा रही हो। ये मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, बट मेरी मम्मी मुझे हमेशा निकम्मा बुलाती है। आई नो मेरा अटेंशन स्पैन कम है, बट आई स्टिल वर्क हार्ड, मगर किसी को नहीं दिखता। एंड बीइंग अ बॉय, मैं रो नहीं सकता, अपने इमोशंस नहीं शो कर सकता। अगर आप हमारी टीन स्टोरी से कुछ भी सीख रहे हैं तो सपोर्टिंग ईच अदर शुड बी नंबर 1। Please, okay. Yuvraj, I'm very sorry you have to go through all of this. But मैं हूँ तेरे साथ। एक काम करते हैं, मैं 2-3 दिन के लिए तेरे घर रहना आ जाती हूँ। We'll figure this out together. Okay.